तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन चैप्टर है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल NLM जैसा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी के जैसा इम्पोर्टेंस है। उसी के जैसा का मतलब ये हुआ कि IIT JEE में स्कोर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्कोर ही नहीं है, मतलब कि ये फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत ही यूज आता है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और मेन जो पॉइंट्स है फ्रिक्शन के बारे में, सबसे पहले हम लोग उन पॉइंट्स को ध्यान देंगे, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग ये ध्यान देंगे कि फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ना? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, है ना। कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग फील्ड फोर्सेज कहते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये फोर्सेज फील्ड फोर्स होते हैं, दूर से ही लग जाते हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स वैसा नहीं है, ये जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला है। फिर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी सिर्फ दो ही कंडीशन में लग सकता है, या तो दो जो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, है ना। इसका मतलब मैं बताता हूं अभी। पहले हम लोग इसको लिखते हैं कि इट एक्ट्स ओनली व्हेन आइदर देयर इज रिलेटिव मोशन, there is relative motion between two surfaces in contact or there is tendency of relative motion, tendency of रिलेटिव मोशन, है ना। तो इस पॉइंट का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, दो ब्लॉक है। अब एक ब्लॉक जो है ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और जो नीचे वाला है ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इनके बीच में देखेंगे कि रिलेटिव मोशन आ गया, है ना। रिलेटिव मोशन आने का मतलब इनके बीच में रबिंग एक्शन होगा, रगड़ होगी, तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, है ना। इसमें फ्रिक्शन जो है वो लगेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन जो है ये रफ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है लेकिन इसका इंक्लिनेशन जो है वो बहुत ही कम है, ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पर है, ठीक है। अब ये ब्लॉक रुका किस वजह से है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसका वेट का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, mg sin θ इधर लग रहा है और mg cos θ इधर लगता है। तो mg sin θ क्या कर रहा है, इसमें टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है फिसलने की। जब तक इसमें फिसलने की टेंडेंसी नहीं होगी तब तक जो है इस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, है ना। अगर मान लिया जाए कि जैसे मेरा हाथ है और इस पर यह मैंने चौक रख दिया, है ना, तो इनके बीच में हाथ और चौक के बीच में फ्रिक्शन है, मतलब कि रफ है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं लग रहा होगा। इसलिए नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं है, है ना। अगर मान लिया जाए कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फिर इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं चौक पर, फिर चौक रुका कैसे है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा है क्योंकि उसको उल्टा कोई फोर्स है नहीं, है ना। अगर मैं इसको ऐसे झुका दूं अपने हाथ को, अभी भी ये चौक रुका हुआ है, रुका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ
कि इसका mg का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा होगा और उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आया होगा, है ना। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, उसको बैलेंस करने के लिए mg का कंपोनेंट, mg साइन थीटा जैसे है यहां पर, वो लग रहा है ना। तो ये जो mg साइन थीटा था, इसको फिसलने की, स्लिप होने की टेंडेंसी इसमें उत्पन्न कर देता है और जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगता है, है ना। तो इधर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो जस्ट इस mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये रुका हुआ है ना। लेकिन अगर ये ही जो ब्लॉक है अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा होता, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा होता, है ना, तो जब तक हम इधर से कोई फोर्स लगाएंगे नहीं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा उसको रोकने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर टेंडेंसी नहीं है, यहां पर स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं है और इसलिए यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना, फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि यहां पर टेंडेंसी है स्लिप होने की और टेंडेंसी कहां से आती है, फोर्स से। जब हम धक्का लगाएंगे तब इसमें स्लिप होने की टेंडेंसी आएगी। जैसे चौक है, अभी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है लेकिन मैं जैसे ही इसको खिसकाने की कोशिश करूंगा, उंगली से फोर्स लगाऊंगा इस पर, तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा उसको रोकने के लिए, है ना। जैसे टेबल रखा रहता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है लेकिन जैसे ही टेबल को हम लोग धक्का लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है रोकने के लिए, और जब हम हमारा फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो टेबल खिसक जाता है। तो यहां पर यही मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ दो कंडीशन में लगेगा, या तो रिलेटिव मोशन हो, ऐसे रगड़ हो रही हो तब लगेगा, या स्लिप होने की टेंडेंसी हो, जैसा ये वाला। इस केस में नहीं लगेगा, स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं है, ये रुका हुआ है, मतलब यहां रिलेटिव मोशन भी नहीं है और स्लिप होने की टेंडेंसी भी नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, ये हो गया दो पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज opposes the relative motion and tendency of relative motion, tendency of relative motion, but it may help the motion of a body। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैं चलता हूं, जब कोई भी हम लोग चलते हैं तो चलते टाइम में फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है। वो इसलिए हेल्प करता है कि जब हम चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पैर से जो है, जो ग्राउंड फ्लोर है, इसको हम लोग पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो फ्रिक्शन जो है, ग्राउंड जो है वो हमारे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन देता है। हम जो है ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो ग्राउंड जो है आगे की तरफ धक्का देता है इसी फ्रिक्शन फोर्स से, जिससे कि हम लोग आगे चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम लोग आगे चल नहीं पाएंगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे मोशन को हेल्प करता है। ठीक है, कहीं अपोज भी कर सकता है। एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक बुक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और छोटा सा बुक है, है ना। अब जब मैं इस बुक को खींचता हूं तो उसके साथ साथ में ऊपर वाला बुक भी आगे की तरफ खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन है। एक बुक खिसकाने पर दूसरा तीसरा बुक भी उसके ऊपर जो होगा वो चले गया आगे। क्यों गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था। तो अगर इस ऊपर वाले बुक की बात किया जाए तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा और इसी वजह से ये आगे की तरफ गया है, यानी ऊपर वाले बुक का जो मोशन है उसको ये फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। जिधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उधर ये बुक जा रहा है ना। जबकि अगर नीचे वाले बुक की बात करें तो नीचे वाले पर फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर बात करा जाए, जैसे मैंने ये फिगर बनाया है तो आप देखेंगे कि एक 5 से चल रहा है, एक 2 से जा रहा है, तो इनके बीच में रगड़ हो रहा होगा। तो जब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये आगे भागता जा रहा होगा, है ना,
इसके रेस्पेक्ट में ये आगे भाग रहा होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे, वो ऐसे इसके ऊपर, जैसे ये ऊपर वाला मेरा हाथ ऊपर की तरफ ऐसे भाग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ रहा होगा, है ना। यानी इसके रेस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव मोशन है वो आगे है तो फ्रिक्शन उसका उल्टा लग गया। वैसे ही जब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे ये आगे जा रहा है हाथ, उसके रेस्पेक्ट में नीचे वाला हाथ पीछे जा रहा है तो नीचे वाले जो हाथ है इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। जैसे यहां पर कहेंगे ये ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन आ जाएगा आगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेटिव मोशन है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पीछे जा रहा होगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे आया, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे यहां दिखा है रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन मोशन को हेल्प भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। यही पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लगा है वो इधर लगा है, यानी इसकी जिधर वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग गया, तो यानी इसके मोशन को ये फ्रिक्शन फोर्स हेल्प कर रहा है ना। और इसका जो मोशन था, इसका वेलोसिटी था इधर और फ्रिक्शन फोर्स उल्टा आया, तो इसके मोशन को अपोज भी कर रहा है, एक के मोशन को हेल्प कर रहा है, एक के मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन जब रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन था आगे तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा आया, उसके रेस्पेक्ट में इसका फ्रिक्शन, इसका रिलेटिव मोशन था पीछे, ये पीछे छूटता जा रहा था, इसका रिलेटिव मोशन था पीछे और फ्रिक्शन फोर्स लग गया उल्टा आगे, है ना। तो रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है, जबकि मोशन को हेल्प भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। ये तीन पॉइंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये दो कारणों से लगता है। फ्रिक्शन फोर्स एराइजेस ड्यू टू टू रीजंस, इसमें से पहला रीजन ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक। और जो दूसरा रीजन है वो ये है, इंटरलॉकिंग ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट्स, ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये नोट करना है कि मैं बार बार टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट लिख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उन्हीं दो सरफेस के बीच में लगता है, कोई तीसरे सरफेस का कोई काम नहीं होता। हमेशा जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं उनका रिलेटिव मोशन देखते हैं, उन पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन लगता है, है ना। तो ये दो कारणों से फ्रिक्शन फोर्स आता। अब इंटरलॉकिंग का मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे अगर कोई सरफेस रफ होता है, मैं रफ ऐसे दिखा देता हूं, है ना, ये रफनेस दिखाया गया है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है ताकि क्लियर दिखे, और जो दूसरा सरफेस है उसका एक्सटेंडेड पार्ट ऐसे चले गया, है ना। तो देखेंगे कि इसका एक्सटेंडेड पार्ट उसके गड्ढे वाले पार्ट में है, कैविटी में है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट इसके कैविटी में है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट उसके कैविटी में चले गया, इस तरह से इंटरलॉकिंग हो गया। तो क्या होगा, जब ये चलने की कोशिश करेंगे तो ये जो इंटरलॉकिंग हो गया ये रोकेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इन दो कारणों से आता है, तो इंटरलॉकिंग हो गया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, रगड़ होती है, वहां पर चार्जेज आ जाते हैं, चार्जेज होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स आता है। फिफ्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा जो सरफेसेज कॉन्टैक्ट में होते हैं सरफेसेज के पैरेलल लगता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स
पैरेलल टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, है ना, जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके बिल्कुल पैरेलल ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे ये दो ब्लॉक है ए और बी, है ना, तो अगर मैं ये कहूं कि इस पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक पर चूंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल यहां पर लगेगा। जो नीचे वाला सरफेस है, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं, जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहां पर इस सरफेस पर, है ना, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्योंकि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल उतना ही लगेगा और सरफेस के पैरेलल इधर लगेगा, है ना। तो देखेंगे कि इनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है हॉरिजेंटल है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हॉरिजेंटल लग रहे हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये दोनों एफ जो है बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है इनका अपोजिट है। मैं एक और यहां पर छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो अब जैसे कहा जाए कि ये ए है, ये बी है और ये जो ग्राउंड है ये सी है, तो मैं तीनों पर फ्रिक्शन फोर्स दिखाऊंगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ग्राउंड, ठीक। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, है ना, या इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आएगा उल्टा, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन कर सकते हैं कि राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा आएगा। ये मान लेते हैं एफ1 फ्रिक्शन है तो उसके जस्ट नीचे वाले पर F1 फ्रिक्शन फोर्स ही आएगा, उल्टा आएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल पैरेलल होंगे, ये ध्यान रखना है, ये दोनों जो है पैरेलल होंगे। अब आते हैं नीचे वाले पॉइंट पर, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे, ये मान लिया F2 है, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आगे आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड ये पीछे जा रहा होगा, तो पीछे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर आ जाएगा आगे की तरफ F2। तो हमने क्या देखा कि जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में यहां पर इन दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेज लग रहे और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, ये दोनों कॉन्टेक्ट में, ध्यान रखना है कि ये उनके कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए यहां का फोर्सेज और यहां का फोर्सेज का कोई लेना देना नहीं है, है ना, इनका एक दूसरे के साथ में लेना है और इसीलिए बार बार टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट वर्ड में यूज कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे ये और ये दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है तो इन दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहां के फ्रिक्शन का वहां वाले से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट जो बोला जा रहा है वो ध्यान रखना है कि जो कॉन्टेक्ट में होंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट होगा। रिलेटिव मोशन देखना हो तो इनका एक दूसरे के रिलेटिव में देखना है, इनका रिलेटिव मोशन नहीं देखना है। यहां फ्रिक्शन निकालना हो तो इनका एक दूसरे का रिलेटिव मोशन देखना है, यहां फ्रिक्शन निकालना हो तो इनका एक दूसरे का रिलेटिव मोशन देखना है, ठीक। तो ये हो गया ओवरऑल जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में
थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है दो टाइप का होता है और एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि फ्रिक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरे को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले इनमें से हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट जो कॉन्टेक्ट में हो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। इट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक, तो ये तो हो गया कि ये कब लगता है, मतलब कि जब दो सरफेस के बीच में रबिंग एक्शन हो रहा हो तभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। मतलब कि अगर बात करें कि ये जा रहा हो 5 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा हो 2 मीटर पर सेकंड से, है ना, और ग्राउंड जो है रेस्ट पर रहता है, तो यहां पर दोनों सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। मतलब यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन है, ये रेस्ट पर है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दोनों जगह पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर ऐसा मान लिया जाए कि दो ब्लॉक है, है ना, और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, नीचे वाला भी 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, ये ग्राउंड है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अगर इनको अलग अलग करके दिखाया जाए ए बी, तो यहां पर जो बीच में जो है इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहां पर रिलेटिव मोशन है, ये रेस्ट पर है और ये फाइव से चल रहा है, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा ही रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन को ये हमेशा ही अपोज करता है। ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन में टेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हम लोग सीधे रिलेटिव मोशन की बात करें, तो रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और ये जो पॉइंट है ये इसलिए ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जब भी डायरेक्शन निकालना हो तो ये पॉइंट हमारे काम में आएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग कहें कि यहां पर अपने पास तीन ब्लॉक दे दिए गए, ठीक है, और एक ग्राउंड है। अब इसमें से जो सबसे ऊपर वाला है ये है बी ए सी, सबसे ऊपर वाला जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बीच वाला जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और नीचे वाला जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना। तो इनके बीच में हर जगह देखेंगे हर जगह रिलेटिव मोशन है, इसके इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इसके इसके बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, इसके इसके बीच में भी होगा, ग्राउंड रेस्ट पर है, ये 5 से चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन हर जगह पर है और इसलिए हर जगह जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पता करना हो तो कैसे पता करें, तो डायरेक्शन पता करने का तरीका मैं बताता हूं। यहां पर ये पॉइंट जो है स्पेशली ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि
इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी, है ना। तो ये दिया गया है, इसकी वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, बीच वाले की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और ये तो रेस्ट पर होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी ग्राउंड की, है ना। तो अब इनके बीच में फ्रिक्शन देखना है हमें। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन देखना हो, जैसे इस पर फ्रिक्शन निकालना हो तो ऑब्जर्वर बैठा देंगे नीचे वाले पर, एक दूसरे के रिलेटिव देखना है। अब चूंकि ये स्लो चल रहा है वो फास्ट चल रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे भागेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में कह सकते हैं कि इसका रिलेटिव मोशन है राइट ओवर डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे F1, है ना। अगर इस पर पीछे आ रहा है तो इस पर सर्टेनली आगे आना चाहिए F1, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। चाहे तो आप इस पर ऑब्जर्वर बैठा के इसका मोशन देख सकते हैं, इस पर ऑब्जर्वर बैठाएंगे तो ये पीछे छूट रहा होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन होगा पीछे, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लग गया आगे, तो रिलेटिव मोशन को अपोज यहां भी कर रहा है, ठीक। बाकी हम लोग करेंगे क्या, अगर एक पर डायरेक्शन निकल गया एक सरफेस पर तो दूसरे सरफेस पर अपोजिट अपने आप लगा देना है, उतने ही मैग्नीट्यूड का लगा देना है जैसे कि हमने पीछे पॉइंट्स में सीखा था। अब जैसे यहां पर दिखना है तो दोनों में से किसी एक पर ऑब्जर्वर बैठा देंगे, मैं यहां पर ऑब्जर्वर बैठा देता हूं, ये 5 से चल रहा है और ये 2 से चल रहा है, देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये स्लो है तो पीछे जा रहा होगा, इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखेगा। पीछे जाता हुआ दिखने का मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन इसका पीछे होगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए आगे, मान लेते हैं F2 फ्रिक्शन फोर्स आया, तो इस पर अगर F2 आगे आया है तो इस पर F2 जो है वो पीछे आना चाहिए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये F1 और ये F1 इक्वेट कर दिया, बराबर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये F2 और ये F2 जो है इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आते हैं यहां पर, तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखना हो तो मैं इस पर ऑब्जर्वर बैठा देता हूं, ये तो स्टेशनरी है और ये जा रहा इधर, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे आना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन है इधर तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे, और इसलिए इसका फ्रिक्शन F3 जो है वो पीछे की तरफ लगाएंगे। अब इस पर पीछे आया तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो F3 आगे लग जाएगा, ये F3 और F3 इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, F2 और F2 इक्वल अपोजिट होना चाहिए, F1 और F1 इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन का हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। जैसे अगर यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ए मास का, है ना, तो सपोज ये रखा है किसी सरफेस पर, तो इस ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ये जो ग्राउंड है इस पर भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो यहां जो भी फ्रिक्शन आना है, चाहे फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है इधर आ रहा हो, इस पर इधर आ रहा हो, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू इस नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, म्यू के जो है इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। हर दो सरफेस के लिए ये जो म्यू के की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, इस पर मान लेते हैं कि यहां पर एक 2 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, फिर एक 4 kg का ब्लॉक है, है ना, और ये हो गया ग्राउंड सरफेस, है ना। इनके बीच में हमें फ्रिक्शन फोर्स पता करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है,
यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के वन, ये दिया है 0.2, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू के टू, ये डिफरेंट है, ये है 0.1, ठीक है, या इसको चेंज कर देते हैं 0.3 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है और यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो करेंगे क्या कि हम लोग दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है इसका वेट आएगा नीचे 20 N का या 2g, और फिर यहां पर एक नॉर्मल आएगा N1, उसी तरह से वो नीचे वाले पर एक नॉर्मल लगाएगा N1। अब यहां पर देखें तो इसका, इस ब्लॉक का वेट आएगा 4g और ग्राउंड एक इस पर नॉर्मल लगाएगा N2, और जो ग्राउंड है ग्राउंड पर भी ऊपर से एक नॉर्मल आएगा N2, ठीक। अभी ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ये N1 और ये mg इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो N1 इज इक्वल टू 2g यानी कि 20 N, ठीक। उसी तरह से अगर यहां पर देखें तो ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए लिख सकते हैं N2 फोर्स ऊपर लग रहा है और 2 फोर्स नीचे लग रहा है, तो 4g और एक N1, ये हो जाएगा N2 की वैल्यू आएगी 4g प्लस N1, 4g मतलब हो गया 40 N और N1 की वैल्यू 20 है ना, तो N2 जो है ये आ गया 60 N। अब दोनों नॉर्मल आ गए, यहां का नॉर्मल आ गया, यहां का नॉर्मल आ गया, ठीक। ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये 2 m/s से जा रहा है और ये 1 m/s से जा रहा है इधर, ठीक है, तो इन पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। अगर इनकी बात करें तो इनका रिलेटिव मोशन किधर है, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर भाग रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स उल्टा पीछे आना चाहिए, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर F1, इस पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए F1, ठीक। अब यहां पर देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये जा रहा है पीछे, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे, है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन पीछे है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा, तो यहां फ्रिक्शन फोर्स आएगा F2 आगे और यहां पर F2 पीछे आ जाएगा। तो अगर मुझे F1 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, यहां का म्यू के लेना है, यहां का म्यू के देखेंगे ये दिया हुआ 0.2, तो लिखेंगे यहां पर म्यू के 1 × N1, म्यू के 1 है 0.2 और N1 की जो वैल्यू है वो आया है 20, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 N, है ना, ये 4 N आया, तो ये F1 भी 4 N ही होगा। अब यहां पर हमें F2 निकालना है, तो F2 की जो वैल्यू निकालनी हो, यहां का फ्रिक्शन निकालना हो, तो यहां का म्यू लेंगे म्यू के 2 और यहां का नॉर्मल लेंगे N2, म्यू के 2 × N2, म्यू के 2 देखेंगे 0.3 दिया हुआ है और N2 जो है यहां पर फाइंड किया हमने 60 N है, तो ये आ जाएगा 18 N। अगर ये F2 18 N है तो ये भी 18 N ही आएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर इनके बीच में फ्रिक्शन निकालना है तो इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और इनके बीच का नॉर्मल लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना हो तो इनके बीच का म्यू और इनके बीच का नॉर्मल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच का फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो म्यू के है, ये म्यू के एक्चुअली में जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। म्यू के इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये चौक है, चौक को मैं इस बोर्ड पर चला सकता हूं और अपने हाथ पर चला सकता हूं, ठीक है। तो बोर्ड पर चला रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आ रहा है और इस हाथ पर चला रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कम आ रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो इस
इस जो है, या मतलब कहते हैं कि यहां पर जो म्यू है वो अलग है और यहां पर म्यू जो है वो अलग है, मतलब म्यू जो है वो इस चौक की प्रॉपर्टी नहीं है या इस बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, इस हाथ की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है? जब यहां पर जो म्यू होगा ये बोर्ड और ये चौक दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, और यहां पर हाथ और चौक दोनों कॉन्टेक्ट में है, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब कि जो म्यू के है वो किसी एक ऑब्जेक्ट या एक सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि जो दो सरफेस एक ही जगह पर, जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, यानी दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है कि म्यू के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक ही डस्टर है, उस डस्टर से मैं बोर्ड साफ कर सकता हूं और उस डस्टर से मैं दीवार साफ कर सकता हूं, है ना। लेकिन जो है यहां पर स्मूथ है और यहां पर जो है वो रफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यू है वो उस डस्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, इस बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट था, डस्टर यहां लगाया वहां लगाया तो फ्रिक्शन बदल गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब डस्टर से बोर्ड साफ कर रहे तो डस्टर और बोर्ड दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी थी म्यू यहां पर, है ना, जो कि कम थी। और जब दीवार साफ करने लगे तो डस्टर और दीवार दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी हो गई म्यू, जो कि ज्यादा हो गई, है ना। तो ये पॉइंट है यहां पर कि म्यू के जो होता है वो जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी, ये सिर्फ एक की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट जो है, हमें ये ध्यान रखना है कि म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये चौक है, चौक से मैं लिख रहा हूं, तो चौक का एक पॉइंट यहां पर मैं लिखूं या पूरा चौक से मैं ऐसे लिखूं, दोनों केस में मैंने इसको इस टाइम पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है, इस टाइम पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम था, दोनों केस में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है बराबर आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ गया, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया तो म्यू बढ़ गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो म्यू के है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब जो है हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक का हमें मास नहीं दिया गया, कहा गया कि ये ब्लॉक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, जिस सरफेस पर रखा गया है उस सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया 0.2। हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे, चूंकि ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर पीछे की तरफ आएगा, है ना, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए न्यू एन, जैसा कि हमने वहां पर पता किया था, है ना। तो इसका अगर फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा mg और ऊपर की तरफ आना चाहिए यहां पर नॉर्मल। क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये कहा जा सकता है कि n जो है वो mg के इक्वल होगा। अगर n इक्वल होगा तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है न्यू एन, न्यू की जो वैल्यू यहां पर रख देंगे और n की वैल्यू यहां से रखेंगे mg। ठीक, अब अगर हमें, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है इधर तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है, तो एक्चुअली में डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका इक्वेशन में मोशन लिखेंगे, जिधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू एम जी इज इक्वल टू, म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स आया था, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ वेलोसिटी है। तो यहां से देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो हो गया म्यू इंटू जी। ये देख सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मास से इनडिपेंडेंट है, मास दिया नहीं था फिर भी मास जो है वो कैंसिल हो गया, उसका कोई यूज नहीं आया। तो म्यू दिया है 0.2 और जी का वैल्यू है 10, तो ये डी एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, फाइनली जो है कहीं जा करके ये रुक जाएगा। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो फाइनली तो इसको रुक जाना है, इनिशियल वेलोसिटी है
20 प्लस 2, एक्सेलरेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन, अगर मैं इसको वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूं तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा, तो एक्सेलरेशन लिखेंगे माइनस 2, 2a इंटू एस, ये एस की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 / 4 यानी कि 100 मीटर, तो ये 100 मीटर ट्रेवल करके रुक जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि रफ है, यहां पर म्यू दिया हुआ है और एक ब्लॉक है। ठीक है, हमें पता करना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो पहला काम हम लोग करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे आएगा एमजी, इधर आएगा नॉर्मल, है ना। एमजी के दो कॉम्पोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा। मैं इसको इसलिए इधर रिजोल्व कर रहा हूं क्योंकि पता है कि ये स्लाइड करेगा तो इधर ही स्लाइड करेगा एक्सेलरेशन की तरफ, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स को रिजोल्व करना चाहिए जैसा कि हमने एनएलएम में पढ़ा था। तो ये 30 डिग्री है, अभी मैं थीटा ले लेता हूं, ये भी थीटा होगा, तो एमजी का कॉम्पोनेंट इधर आएगा एमजी कॉस थीटा और इधर आएगा एमजी साइन थीटा, है ना। और इधर की तरफ आएगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि म्यू इंटू एन के इक्वल होना चाहिए। अब ये ब्लॉक ऐसे चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं, यानी इधर इक्विलिब्रियम है तो एन की जो वैल्यू है वो एमजी कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू एन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो होता है म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू है एमजी कॉस थीटा, तो यहां पर रख देंगे म्यू एमजी कॉस थीटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, है ना। अब देखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन हमने इधर लिया है तो एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स लग रहा है एमजी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, इतना म्यू एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखेंगे यहां भी मास जो है वो कैंसिल हो गया, यानी एक्सेलरेशन कितना आया, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब भी इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स और एमजी लग रहे होंगे, नॉर्मल लग रहा होगा और कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से कोई और फोर्स नहीं लगाया गया है, तो एक्सेलरेशन हमेशा इतना ही आता है, ये ध्यान रखना है। यहां भी देखेंगे कि मास से इंडिपेंडेंट आया है एक्सेलरेशन, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो जी के वैल्यू 10, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये रखेंगे 30 डिग्री, म्यू का जो वैल्यू है ये है 0.2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, है ना, और ये भी होता है 1/2, तो ये हो गया 5/1 माइनस, ये हो जाएगा √3 का वैल्यू होता है 1.732, है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 0.2 इंटू 1.732 ये आ जाएगा, है ना। तो इसको रख सकते हैं 5 × 1 माइनस 0.34 अप्रोक्सीमेटली आएगा, यानी कि 5, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग रख सकते हैं 0.66, है ना, 0.66, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। मेन जो है इस क्वेश्चन में मुझे ये बताना था, ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ये याद रखना, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब भी इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन के कारण से एक्सेलरेशन निकालना हो, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण से, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है।